इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन की सीजन 5 के एपिसोड 79 को, जो कि एक नोबल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे कि आपने देखा था, जो डिमन फ्लेम वैली के साथ जो ग्रे रूप वाला बंदा होता है, उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था। और जब जियन उसे पहचानता तो एकदम से शॉक हो जाता, क्योंकि उसने एक बार इसे ऑलरेडी मार चुका है। और ये बंदा कोई और नहीं, ये मास्टर का फर्स्ट चेला हैंग फेंग। और ये अभी के लिए जियन काफी गुस्से से बुरा होता, क्योंकि जियन की वजह से उसका जो पूरा टोरा था ब्लैक ऑरिजिन के अंदर वो खत्म हो गया था। और साथ ही उसकी सोल को भी उलुप सोल वालों ने पकड़ लिया था, जिसके बदले में उसे अपनी सी हार्ट फ्लेम को देना पड़ा, जब उन्होंने उसके लिए एक बॉडी रिफाइन करी जो कि एक मजबूत डाउजोंग की। इस वजह से अब वो भी एक लाइट डाउजोंग बन गया है। मगर ये बॉडी वो ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि इसकी जो सोल है वो अभी भी इस बॉडी के अंदर ही है। और इसी वजह से उसका कंट्रोल इस बॉडी से बहुत ही जल्दी छूट जाएगा, और फिर उसकी सोल नष्ट हो जाएगी और वो मारा जाएगा। मगर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मारा जाएगा, क्योंकि उसे बस अपनी इस लाइफ के अंदर जियान से बदला लेना है। और इसमें वो जियान के सभी चाहने वाले लोगों को मार डालेगा, और वो ऐसा करने की सोच भी रहा था। और उसने तो पूरा प्लान ही बना लिया था जिगेट को तबाह करने का, मगर बीच में काम आ जाता है बुद्धिस्टा लिक्विड का, जिस वजह से वो अपने प्लान को थोड़े दिनों के लिए ड्रॉप कर देता है, क्योंकि उसके लिए अभी के लिए बुद्धिस्टा लिक्विड ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इनपे हैंगपेंग को जिंदा देखकर जियान को भी बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसे देखकर। और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता कि हरामी धोखे पास तू अभी भी कैसे जिंदा है। तो इस उनके हैंगपेंग हंसने लगता और बोलता कि मैं कैसे मर सकता हूँ जब तक मैं तुझे मान नहीं डालूंगा, और अब तो मेरी पावर भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई तेरे से, इसलिए तू आज मेरे हाथों जरूर मरेगा और मैं तेरी सोल को पकड़ के होलुप सोल ले जाऊंगा। मगर जियान को हैंगपेंग की धमकियों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सालों में उसने कई लोगों से फाइट किया जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल थे। मगर तभी हैंगपेंग जियान की दुखती हुई नस पे पैर रख देता और बोलता कि मुझे अभी तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे उस हरामी बुड्ढे मास्टर का ऑरा फील नहीं हो रहा है। अरे मुझे याद आया, उसे तो होलुप सोल को प्रोटेक्टर वो पकड़ ले गया, और तुम वहाँ पे बस खड़े हुए देखते रहे, तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। सच में तुम तो बहुत ही बड़े लल्लू हो, तुम अपने मास्टर को भी नहीं बचा पाए, इस वजह से अब तुम्हारे मास्टर की ऐसी दर्दनाक मौत होगी तुमने सोची भी नहीं होगी। ये सुनते ही जियान को गुस्सा एकदम सातवें आसमान में पहुंच जाता, और उसकी जो हेवनली फ्लेम होती है उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है, और वो आसपास की सभी चीजों को जलाने लगती है। और अभी ग्लिजन एकदम खूंखार जंगली शेर की तरह लग रहा था, जो कि किसी को भी मार डालेगा। और साथ ही उसकी हेवनली फ्लेम भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, और जियान को सेल्फ डाउट होने लगता है, और बोलता है सही तो बोल रहा, जब प्रोटेक्टर मेरे मास्टर को पकड़ के ले जा रहा था तब मैं उसे नहीं रोक पाया, क्योंकि मैं उसके सामने बहुत ही कमजोर था। और ये सब सोचते सोचते वो काफी उदास होने लगता है, और अपने मन में सोचता था कि मैं छोटे में कितना ज्यादा नाकारा था, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मगर मास्टर ने मुझे जमीन से लेके आसमान तक पहुंचा दिया, और उसमें मास्टर ने अपने सारी टेक्निक और अपनी सारी नॉलेज को लगा दिया, और उन्होंने ये भी सोचा हो कि मैं उनको एक दिन प्रोटेक्ट करूंगा। मगर टाइम आया उन्हें प्रोटेक्ट करने का, तब मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और वो लूप सोल वाले उन्हें पकड़ ले गए। और वो ऐसी कुछ देर तक अपने बारे में सोचता रहता, मगर थोड़ी देर बाद वो अपने इमोशनों को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि वो इस दर्द से इतनी बार गुजर चुका है, इस वजह से अब उसे इन दर्दों की आदत सी हो गई है। और बोलता है एकदम सही बोल रहा, इस वजह से मुझे अपने चाहने वालों को बचाना, उसके लिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, क्योंकि अगर वो आज पावरफुल होता तो वो होलुप सोल जाकर अपने फादर और मास्टर को बचा लाता, और साथ ही यूनियन क्लैन में जाकर उसके फादर के सामने उसके हाथ को पकड़ के ले आता और अपनी लाइफ को एकदम सेट कर लेता, और फिर उसे यहाँ वहाँ मुंह मारने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और जियान बोलते कि मेरी पावर दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मेरी पावर को बढ़ाने के लिए मुझे हेवनली फ्लेम की जरूरत पड़ती है, और अगर मुझे होलुप सोल को हराना है तो मुझे एक नई हेवनली फ्लेम की जरूरत पड़ेगी। और ये सब सोच के जियान एकदम से जोश में आ जाता और बोलता है हैंगपेंग तुझे मारने के बाद मैं एक नई हेवनली फ्लेम को लूंगा, और उसके बाद मैं होलुप सोल जाऊंगा और उन लोगों को सभी को भुट्टे की तरह भूज कर अपने मास्टर को बचा के लाऊंगा, और उसकी शुरुआत करता हूँ आज मैं तेरे से, क्योंकि तेरे जैसे हरामी दोगले को आज मैंने नहीं मारा तो ये बहुत ही बड़ा दाग होगा मेरे मास्टर के ऊपर, कि उनका एक ऐसा चेला भी जो एक नंबर का धोखेबाज है और उसने अपने मास्टर को भी धोखा दिया है, इस वजह से आज चाहे मैं भले ही मर जाऊं मगर तुझे जरूर मार के मरूंगा। और अपनी हेवनली फ्लेम को एकदम फुल रिलीज कर देता है, जिसे देखकर आसपास में खड़ी हुई डीमन फ्लेम वैली के लोग और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ तक कि जियान के बगल में खड़ी हुई लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जियान को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर। और जिया बोलती है कि मैंने आज से पहले जियान को कभी भी इतनी ज्यादा गुस्से में नहीं देखा, जरूर इस हैंगपेंग ने जियान के जख्मों को कुरीद दिया है, और इसी वजह से मुझे इसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं इसका कचूमर बना दूंगी। मगर तभी हैंगपेंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता कि जूनियर तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है जो तुम मेरा सामना कर पाओ। ये सुनती है लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के सामने आ जाती और बोलती जियान के पास इतनी हिम्मत ना हो, मगर मुझे में इतनी जरूर हिम्मत है कि मैं तेरे में एक चांटा मार दिया ना तो तेरी तीन दिन तक सुसु बंद नहीं होगी। ये सुनकर तो हैंगपेंग डर जाता, क्योंकि पिछली बार उसने लात खाई थी, इस बार चांटी की बात हो रही है। इस वजह से वो जियान को टॉट मारते हुए बोलता है, क्या ठरकी जियान तू हमेशा लड़कियों के पीछे छुपता रहता है, क्या तेरे अंदर इतनी ज्यादा दम भी नहीं जो तू मेरा सामना कर पाए, क्योंकि इस तरीके से लड़की के पीछे छुपता रहेगा तो तेरे मास्टर की जो इज्जत है वो एकदम फालूदा हो जाएगी। ये सुनकर जियान समझ जाता है वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से जियान बोलता है हैंगपेंग के बच्चे ये फालतू की टेक्निक ना मेरे पे यूज मत कर, क्योंकि पिछली बार की मार की वजह से आज ना तू इंसान बचा है ना ही सोल बीच में लटक रहा है, और साथ ही तेरी जो ब्लैक ऑरिजिन के अंदर इज्जत थी सभी लोग तुझे मेडिकल एम्परर बुलाया करते थे, मगर तेरी आज इज्जत एक धोबी के कुत्ते जैसी होगी, ना घर का ना घाट का। जिस उनके हैंगपेंग की ऊपर से नीचे तक सुलग जाती और बोलता कि तेरी जुबान बहुत चलती है, तो जियान बोलता कि मेरे हाथ पैर भी बहुत चलते हैं। तो जिस उनके हैंगपेंग बोलता कि ठीक है आज देख लेते हैं किसमें कितनी दम, कौन है असली बाजीराव सिंघम। तो जियान बोलता कि तुझे वो थोड़ी देर के अंदर ही पता चल जाए कौन है असली बाजीराव सिंघम। और ये सब देख के जो ओल्ड यान सा होता है वो
मनी मन काफी खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मरो सालों एक दूसरे को मार के, जिसके बाद मैं वो डाउजोंग ब्रेकिंग पिल भी ले लूंगा और साथ ही डीमन फ्लेम वैली की वो सीक्रेट मेथड भी। और ये सेम चीजें चल रही होती मोतियान सिंह के दिमाग में भी। तभी डीमन फ्लेम वैली का फेंगिया बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम तीन लोग हम लोगों को हरा दोगी, क्योंकि हमारे जो सभी वॉरियर वो अकेले एक लाइट डाउजोंग लेवल के वॉरियर को संभाल सकते हैं और उसके बाद हम लोग तुम्हें मार मार के ना भूत बना देंगे। ये सुनकर डीमन फ्लेम वैली के सभी वॉरियर अपनी दुखी को बाहर निकाल लेते, मगर तभी आसमान से आवाज आती है, अरे किसने बोल दिया ये सिर्फ तीन ही लोग है, अरे मैं भी तो हूँ इनके साथ, मैं तो मुझसे भी फाइट करूँ। ये बोलती है जियान के साइड में आ जाते जीरन अकेडमी के फर्स्ट एल्डर, जिसे देखकर डीमन फ्लेम वैली के जो छोटे मोटे वॉरियर होते जो अभी के लिए थोड़ा सा उचक रहे होते एकदम से शांत बैठ जाती है। ये देख के तो हैंग पेंग भी थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि अब जियान के साइड दो डाउज होंगे और अब जियान को हराना उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर तभी फर्स्ट एल्डर की नजर हैंग पेंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते वो एकदम से शॉक हो जाते और बोलते भाई ये कैसे जिंदा है, ये तो पिछली वाली फाइट के अंदर मारा गया था। और यहीं पे हैंग पेंग को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी था, क्योंकि वो डीमन फ्लेम वैली की मदद से जियान को नहीं हरा सकता क्योंकि उसके सामने दो डाउज होंगे और साथ ही जियान भी किसी डाउज से कम नहीं है, क्योंकि उसे पिछली वाली फाइट बहुत ही भली बात ही पता है कि किस तरीके से जियान ने उसको धोया था, इसलिए वो जियान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता है। और ये सब हैंग पेंग के दिमाग में चल ही रहा होता है, तभी जियान पीछे से टॉन्ट मारते हुए बोलता है पिछली बार जब मैं एक डाउविंग लेवल का बॉडी था तब तो मैंने तुझे धो दिया था, मगर अब तो मैं उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, इस वजह से अब मैं तेरी ऐसी धुलाई दूंगा कि दोबारा तू कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा। और ये सब सुनने के बाद जो ओल्ड यान सा होते और मोतियान सिंह होते वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जियान के पास ऑलरेडी अब दो डाउज होंगे और जियान भी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोला इस वजह से वो भी किसी भी डाउजोंग के लेवल की वॉरियर को हरा सकता है, इसलिए वहाँ पे सभी की एकदम से बोलती बंद हो चुकी थी। तभी जियान फर्स्ट एल्डर से पूछता कि फर्स्ट एल्डर वहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आ गए, तो इसके फर्स्ट एल्डर बताते कि तुम्हारे कुछ ही देर जाने के बाद ही जो ओल्ड यान सा की स्पेशल बॉडी थी वो गायब हो गई थी, इस वजह से तुम्हारे छोड़ी हुई माँ का पीछा करते करते मैं यहाँ पर आ गया। और जियान ये सब सुनती कर एकदम से शॉक हो जाता और बोलता कि उसकी स्पेशल बॉडी गायब हो गई, कहाँ गई वो। और फिर वो ओल्ड यान सा की तरफ देखता जब पर वो जोर जोर से हंसने में लगा हुआ होता और आसमान में आ जाता है, तभी एक बड़ा सा स्पेशल एनर्जी का क्लस्टर आता है और उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो फिर से अपनी रियल स्ट्रेंथ के अंदर वापस आ जाता है, जिसे देखकर सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं। और मोतियान सिंह बोलते हैं ये तो बहुत ही चालाक खोपड़ी है, ये बस तब से टाइम डिले कर रहा था जिससे इसकी स्पेशल पावर वापस इसके पास आ जाए और ये अपनी पीक की पावर पे पहुंच पाए। और अब वो जैसा कि अपनी पीक की पावर पे पहुंच चुका होता है, इस वजह से वो हंसते हुए जियान से बोलता है और हैंग पेंग से बोलता है तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, जो कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से मैं अपनी रियल स्ट्रेंथ को पा पाया हूं और इस वजह से अब मुझे तुम लोगों में से किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब सुन के तो मोतियान सिंह एकदम से टेंशन में आ जाता है और सभी से बोलता है अभी के लिए तुम लोगों को अपनी पर्सनल फाइट को भूल जाना चाहिए और हमें इस बुड्ढे से बुद्धिस्टर लिक्विड को लेना चाहिए, क्योंकि एक बार ये बुड्ढा यहाँ से भाग गया बुद्धिस्टर लिक्विड को लेकर तो फिर इसे ढूंढते ही रह जाना, ना मिलेगा ये और ना ही मिलेगा बुद्धिस्टर लिक्विड, अभी के लिए हम लोगों को मिल जाना चाहिए और इस बुड्ढे से उस बुद्धिस्टर लिक्विड को छीन लेना चाहिए। ये सुन के जन थोड़ी देर सोचते और फिर हमें सारे ला देते, तभी हैंग पेंग भी थोड़ी देर सोचते और वो भी हमें सारे ला देता है और बोलता है मोतियान सिंह तुम एकदम सही बोल रहे, हम लोगों को मिल जाना चाहिए और इस बुड्ढे से उस बुद्धिस्टर लिक्विड को छीन लेना चाहिए। तो जियान भी इन सभी बातों के लिए एकदम फुल एग्री था, मगर वो अपनी स्पेशल पावर की मदद से फर्स्ट एल्डर और लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है हम लोगों को अभी के लिए और भी केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हैंग पेंग बहुत ही हरामी है और साथ ही ये जो मोतियान सिंह ये भी बहुत ही बड़ा हरामी है, इस वजह से इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना, ये कभी भी बीच में चुरा भोग सकती है। तो इस दिन फर्स्ट एल्डर भी अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए जियान से बोलते हैं तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं कोई दूध पीता हूँ बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता होगा ये कितने बड़ी एमसी है। ये सुन दिन जियान का एकदम से पोपट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट एल्डर कोई मामूली बंदा नहीं है, उसने एक ऐसी जगह पे अकेडमी खोल रखी है जिसकी दीवारों के बाद खून की नदियां बहती है, मगर वहीं पे जिनन अकेडमी के अंदर एकदम शांति, सभी लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहती है। और हम बात करें लिटिल फेट डॉक्टर, उसने चूहे नेम्पर के ऊपर राज किया था जब और पॉइजन मास्टर की तो नदियां बहती है, मगर किसी के बाप में हिम्मत नहीं होती थी उससे सामना करने की, इस वजह से इन दोनों को ज्ञान देना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और यहाँ पे जब ओडियान सा देखता है कि मोतियान सिंह के साथ जियान भी जुड़ गए और साथ ही डीमन फ्लेम वैली भी जुड़ चुकी है, इस वजह से अब उनके पास चार इलाइट डाउजोंग हो चुके और वो चारों से फाइट करेगा, तो यहाँ पे वो बुद्धिस्टर लिक्विड को तो खो ही देगा, साथ ही साथ वो अपनी जान भी खो देगा, इसलिए वो अभी के लिए काफी ज्यादा डर जाता है और इसी वजह से वो जमीन में एक अटैक मारता है, जिस वजह से चौथा पानी फैलने लगता है और वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता है, मगर जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है उसकी नजर अभी भी उसी के ऊपर टिकी हुई होती है। और जब वो वहां से ओडियान सा को भगती हुई देखती तो वो भी वहां से चली जाती है उसको पीछा करने के लिए और उसको बहुत ही आसानी से दबोच लेती है, मगर वो अभी के लिए वो भी एक लाइट डाउन होगी, इस वजह से वो लिटिल फेट डॉक्टर के यहाँ से बच जाता और वहां से भगने लगता है, मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर पावर अटैक उसमें जड़ देती है, जिस वजह से वो जमीन में घुसा हुआ चला जाता है, मगर वो फिर से खड़ा होता है और वहां से भगने लगता है, मगर तभी उसके सामने आ जाता है हैंग पेंग और उससे बोलते कहां चले दादा, पहले चुपचाप से बुद्धिस्टर लिक्विड दो फिर यहां से जा सकते हो, मगर तभी ओडियान सा उसके ऊपर हमला कर देते, हैंग पेंग भी उसके ऊपर हमला कर देता है, जब दोनों के पावर अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं, मगर तभी वहां पे ओडियान सा के चारों तरफ सभी लोग आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। और जब ओडियान सा चारों तरफ देखता है कि उसे घेर लिया गया, इस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए चार लाइट डाउजोंग लेवल की वॉरियर से अकेले फाइट नहीं कर सकता और यहाँ पे जियान भी काफी ज्यादा शॉक था पांच लाइट डाउजोंग वॉरियर को देखकर एक साथ, क्योंकि जियान 19 साल का होने के बाद उसने पहली बार डाउजोंग देखा था, वो था योनसेन, और अब कुछ ही सालों के बाद उसके सामने पांच लाइट डाउजोंग खड़े हुए हैं, इसलिए वो दूर खड़ा हुआ इन लोगों को देख रहा था। और यहाँ पे ओडियान सा अपने मन में सोचा था कि मैं इन चारों लाइट डाउजोंग की वॉरियर से बचकर इस बुद्धिस्टर लिक्विड को यहाँ
से लेकर नहीं जा सकता हूँ, और अगर मैं मिलकर इन चारों लोगों से फाइट कर दूं डेफिनेटली मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। इसलिए अपनी जान बचाने का सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता। और फिर वो अपनी पिस्टल रिंग से एक जेट की बोतल को बाहर निकालता है और आसमान में उछाल देता और बोलता है, तुम सभी हरामी जो मिलकर मेरे साथ कर रहे हो ना गैंग बैंग, मैं इसको हमेशा याद रखूंगा, ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। इसलिए अभी के लिए इस बुद्धिस्टर लिक्विड को लो और यहाँ से दफा हो लो, और साथ ही मेरा भी पीछा छोड़ो। और ये बोल के ओल्ड यांसा वहाँ से जाने लगता है, मगर वो सभी लोग होते हैं वो जेट की बोतल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और ओल्ड यांसा के ऊपर हमला कर देते हैं। तो ओल्ड यांसा भी बड़ी मुश्किल से उनके अटैकों को रोक रहा होता है और एंग फेंग बोलता है, हरामी बुड्ढे तूने क्या मुझे पागल वागल समझ रखा है कि तू मुझे इतनी आसानी से इस बॉक्स की मदद से बेवकूफ बना देगा, क्योंकि तू एक नंबर का लालची और तू इतनी आसानी से बुद्धिस्टर लिक्विड तो बिल्कुल भी नहीं देगा। ये सुन के ओल्ड यांसा बोलते कि तुम सभी के सभी एक नंबर के लल्लू हो, क्योंकि तुम जैसे लल्लुओं को अगर पेडिग्री भी दे दी जाए ना फिर भी तुम लोग जाकर सूखी हड्डियां चबाओगे। और ये बोल के वो वापस जेट की बॉक्स के पास जाने लगता है, मगर तभी जन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता और उस बॉक्स को पकड़ लेता है और उस बुद्धिस्टर लिक्विड को लेकर काफी तो खुश होने लगता और बोलता है, इसे बोलते किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। और फिर जेट से उस बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर रखा हुआ था बुद्धिस्टर लिक्विड, जिसे देखकर जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती और लिटिल फेट ड्रॉप फर्स्ट सेंडर से बोलते कि मिल गया, बाहर में जान दो सभी को। ये सुनते सभी की एकदम से हवाइयां उड़ जाती। तभी मोतियान सिंह बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है ये चोर बुड्ढा इतनी आसानी से इतनी कीमती चीज को दे दे। और यहीं पे ओडियन सब बोलता है, देखो बच्चे तुझे वो मिल चुका है, इस वजह से अब मैं यहाँ से चला, और साथ ही बाकी के सभी डाउजोंग लेवल की बोरी अगर तुमको चाहिए तो उस बच्चे से लो जाकर। मगर मोतियान सिंह को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, इस वजह से ओडियन से बोलता है कि मेरा उस बुद्धिस्टर लिक्विड के ऊपर स्पेशल सील लगी हुई थी, मगर वो इसमें से मुझे फील ही नहीं हो रही है। ये सुन के ओडियन से बोलता है कि उसे तो मैंने कब का हटा दिया। ये सुन के मोतियान सिंह काफी गुस्से में आ जाता है, मगर तभी ओडियन सा बोलता है, मगर अभी भी तुम लोगों को मुझसे लड़ना है तो तुम लड़ सकते हो, मगर एक बात का ध्यान रखो, अब बुद्धिस्टर लिक्विड मेरे पास नहीं है, इस वजह से अगर तुम मुझसे लड़ते तो इसका फायदा उठाएगा वो लड़का और वो यहाँ से निकल लेगा पतली गली से, और तुम लोग लड़ते ही रह जाना। ये सुनते सभी की नजर जियान के ऊपर टिक जाती है, मगर तभी जियान के पास फर्स्ट एल्डर और लिटिल फेट डॉक्टर आ जाते। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते जियान एक बार और चेक कर लो, कहीं बुड्ढा हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। तो जियान भी झट से उसे चेक कर लेता और बोलता है कि चील की निगाह मेरी एक बार गलत हो सकती है, दूसरी बार तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती, ये पक्का बुद्धिस्टर लिक्विड है। मगर वही जो सभी लोग थे अब वो तैयार हो चुके थे जियान के ऊपर हमला करने के लिए, मगर तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है, मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेलेंड पे। और आप लोग मुझे बताइए आपको मेन कैरेक्टर के अलावा BTTH के अंदर कौन पसंद है, और मुझे तो बस 15-20 पसंद है, आपको कितने पसंद है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और फिलहाल प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।